अष्टा तहसील में 23/3/2019 को कक्षा 12वीं गणित का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होने के मामले में आज एसडीओपी अष्टा द्वारा पत्रकार वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि विगत 23 तारीख को व्हाट्सएप पर 12वीं गणित का पेपर लीक होने के मामले में दो लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया है। आरोपी बनाए गए लोगों में एक जामखेड़ा जत्रा के शासकीय स्कूल के केंद्र अध्यक्ष बाबूलाल मालवी एवं खाचोत प्राइवेट कैम्ब्रिज स्कूल के संचालक रुपेश जैन को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी ने मीडिया को बताया कि हमने आरोपी रुपेश जैन का मोबाइल जब्त कर आगे विवेचना की जा रही है। रुपेश जैन ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि जिस दिन पेपर लीक हुआ था उस दिन खामखेड़ा जत्रा के केंद्राध्यक्ष बाबूलाल मालवी के द्वारा फोन करके मुझे अष्टा थाने के पास बुलाया गया था, क्योंकि खाचरोद के कैम्ब्रिज स्कूल के 10वीं और 12वीं के छात्रों का परीक्षा केंद्र भी खामखेड़ा जत्रा था। वहां रुपेश जैन से बाबूलाल मालवी ने मोबाइल मांगा, उसके बाद केंद्राध्यक्ष बाबूलाल मालवी द्वारा फोटो डाला गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त स्कूल अधिनियम की धारा 33 एवं 334 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे विवेचना की जा रही है। आष्टा से अब्दुल रऊफ खान की रिपोर्ट। मामला दर्ज हो गया है या आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी जो 23 तारीख को पिछले क्लास 12 के गणित का हायर सेकेंडरी का पेपर कुछ लीक होने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से एक आवेदन पत्र थाना सिद्धिगंज को प्राप्त हुआ था, उसमें संबंध में जाँच की जा रही थी और कल दिनांक को जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा थाना सिद्धिगंज पहुंचकर अपने कथन दिए गए। उन कथनों के आधार पर उसमें थाना सिद्धिगंज में कल अपराध दर्ज किया गया। विवेचना में ये पार्ट आया कि उस दिनांक को जो भी व्हाट्सएप पर न्यूज़ चली थी वो रुपेश जैन, जो कि कैम्ब्रिज स्कूल के संचालक हैं, उनके मोबाइल नंबर की आईडी से उन्होंने एक ग्रुप में उसको प्रसारित किया था। उस आधार पर प्रथम दृष्टया हमने तलाश कर रुपेश जैन को गिरफ्तार किया है और रुपेश जैन का भी मोबाइल हमने जब्त किया है, उसके संबंध में भी हमारी पूछताछ जारी है। अब इसका मास्टरमाइंड कौन है? रुपेश जैन ने अपने मेमोरेंडम में बताया है कि जिस दिन को पेपर था उस दिनांक को सुबह खामखेड़ा जत्रा के केंद्राध्यक्ष बाबूलाल मालवी के द्वारा उनको सुबह फोन करके थाना आष्टा के बाहर मिलने को बुलाया था, क्योंकि दोनों पूर्व से आपस में एक दूसरे के परिचय, संयोग कहें या इसमें षड्यंत्र कहें, कैम्ब्रिज स्कूल का सेंटर भी खामखेड़ा जत्रा में जहाँ के बाबूलाल मालवी केंद्राध्यक्ष, उसके बाद ये साथ में गए और ये अपनी गाड़ी से रुपेश जैन की उसके स्कूल गए। रुपेश जैन के बताए अनुसार उन्होंने अपना मोबाइल बाबूलाल मालवी को दे दिया।